प्रदेश में 20 अप्रैल से शुरू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कटारिया ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में भारी तादाद में राजस्थान के लोग रह रहे हैं, ऐसे में छूट के चलते ये लोग प्रदेश में आने के लिए भारी तादाद में बॉर्डर पर आएंगे, उनको रोक पाना आसान नहीं होगा, ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए सरकार राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था करे, साथ ही आने वाले लोगों की खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाए। राजस्थान में कोरोना के इस युद्ध में सारा राजस्थान, सारी जनता, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूर्णतः लगी हुई है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कोरोना नहीं के बराबर है और 20 तारीख से लॉकडाउन के बारे में, कुछ छूट के बारे में जो निर्णय आ रहे हैं उसके आधार पर राजस्थान के लोग जो विभिन्न राज्यों में छोटे मोटे काम करने के लिए गए थे, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वो आने के लिए उतावले हो रहे हैं। और मेरी ऐसी मान्यता है कि जैसे पहले भी पैदल चल करके भी हजारों लोग हमारी सीमाओं पर आ गए, वैसे ही इस 20 तारीख के आसपास काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की बॉर्डर पर आने की स्थिति दिखती है और इसलिए उनकी सुरक्षा भी, उनके खाने पीने की